जिनके दर्शन से आने का वो दिन भी मंगल। मजा आया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीव्यू में जो अपने स्टेटस वीडियो देखा है, अगर आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लेना, आप लोग इजीली क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटस हम लोग क्रिएट करेंगे एलाइटमिशन ऐप पर, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाना, आपको XML को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, XML आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, ऊपर पिन किया हुआ वीडियो मिलेगा हाउ टू डाउनलोड मटेरियल, पहले उस वीडियो को देख लो। उसके बाद आप लोग XML फाइल इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद XML फाइल को एलाइटमिशन में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। सबसे पहले जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है। ऑडियो पे जाने के बाद आपको जो ऑडियो है ऑडियो को ऐड कर लेना है। ऑडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो फॉन्ट मिसिंग दिखाया वो iOS वाला इमोजी वाला फॉन्ट है, उसको आप लोग चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको अभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अभी क्या करना है, जहाँ पे लिरिक्स एंड रहा है उस पॉइंट पर आना है, यानी कि 9.23 सेकंड पर आना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है, इमेज को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से इमेज ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। इस तरीके से बिट मार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है। और ये सभी इमेजेस अगर आपको चाहिए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सब इमेजेस इजीली मिल जाएगा। फुल HD क्वालिटी में आप लोग क्या कर सकते हो, इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल से ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो इफेक्ट वाला XML होगा उस पर चले जाना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दो रेक्टेंगल मिलेगा जिसपे लिखा होगा इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2। सबसे पहले इफेक्ट 1 पर क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट करना है, ऐसे आपको बैक आना है, बिट मार्क वाला प्रोजेक्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको जब इमेज जिस पॉइंट पे स्टार्ट रहा है उस पॉइंट पर आ जाना है। ठीक है, पहला इमेज पे आपको क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड इमेज को छोड़ देना है, थर्ड इमेज पे फिर से क्लिक करके इफेक्ट्स पे के थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट को कर देना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट इमेज छोड़ देना है, फिर से नेक्स्ट इमेज पे जाना है और आपको यहाँ पे इफेक्ट को पेस्ट करना है, यानी कि जो फर्स्ट इफेक्ट है वो आपको एक इमेज छोड़ छोड़ के पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, फिर से आपको इफेक्ट वाले XML पे जाना है। अभी जो इफेक्ट 2 है इस पर क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद दोनों CC को सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करना है, कॉपी 2 लेयर्स कर लेना है, ऐसे आपको बैक आ जाना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है। जो इमेज आपने मिस किया ना, सभी इमेजेस पे आपको ये वाला जो इफेक्ट है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक करके पेस्ट 2 लेयर कर देना है, ताकि आपका जो CC है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर आप राइट साइड पे शेयर पर ऑप्शन पर क्लिक करो, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।